हमीरपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोर अब बैंकों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। चोरों ने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गत रात को हमीरपुर के लंबलू कस्बे में पीएनबी की शाखा के साथ लगती दीवार को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया है। हालांकि चोर लॉकर तोड़ने में नाकामयाब रहे हैं और ये सारी वारदात बैंक के कमरे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें चोर का चेहरा साफ दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से चोर लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉकर नहीं तोड़ पाया है, जिस कारण चोरों को वापस लौटना पड़ा है। हालांकि पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। एसएचओ हमीरपुर आईपीएस आकृति शर्मा ने बताया कि पुलिस ने पीएनबी बैंक में चोरी की घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। उन्होंने कहा कि चोर जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। गौरतलब है कि गत माह ही जिला के टौनी देवी कस्बे में भी एक साथ 5 दुकानों के सामान को चोरों ने अपना निशाना बनाया था, तो नदौन और सुजानपुर में भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन अब चोरों के हौसले इतने बुलंद होते देख चोरों ने बैंक को अपना निशाना बनाया है, जिससे इलाके में भी लोगों में दहशत बनी हुई है।